हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं जा रही थी अपने मायके से अपने ससुराल को, क्योंकि कल है शिवरात्रि। मतलब जब आप वीडियो देख रहे होंगे ना, तब वो शिवरात्रि वाला दिन होएगा। तो आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि और ढेर सारे पकवान बनाना और खाना और खिलाना। तो अभी मैं यहाँ पर दलजीत का वेट कर रही थी। यहाँ से मैंने दलजीत के साथ निकलना था घर, तो उन्होंने मेरे को आधे घंटे वेट करने के लिए बोला था यहाँ पे। तो उन्होंने गाड़ी यहीं पे छोड़ रखी थी ताकि मेरे को सड़क में खड़े रहकर वेट ना करना पड़े और मैं गाड़ी में आराम से बैठ सकूँ। तो मैं उनका यहाँ पे वेट कर रही थी और मैंने साथ ही साथ व्लॉग भी शुरू कर दिया था। घर से निकलते मैंने वीडियो शुरू नहीं किया था क्योंकि मेरे को घर से आते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था यार, शिवरात्रि में मेरे मम्मा पापा सिर्फ अकेले दो जनों की, मैं क्या ही शिवरात्रि वाली वाइब आएगी। तो बस अब मैं फ्रूटी पी रही हूँ और बैठी हूँ यहाँ पर। तो यार मेरा माइक ना बिल्कुल खराब हो चुका है, ये देखो। ये तो ओ सॉरी, ये देखना मैंने इसकी क्या हालत कर रही है। ये बिल्कुल याद है मैंने इसमें रिट्टे बट्टू पर चिपकाई हुई। तो अभी हम पहुंचे निर्मल चेदा, थोड़ा सा आगे दलजीत को सामान वगैरह ले रहे हैं। और क्या बोलूं यार, ये देखो काफी भूख लग गई थी तो हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद ही घर जाएंगे। तो अभी मैं दलजी से थोड़ा सा नाराज़ सी हो गई थी। हम दोनों कैसे छोटी छोटी बात पे झगड़े होते हैं, दो मिनट में ठीक भी होते हैं। क्या आप में से भी कोई कपल ऐसा है जिसके छोटी छोटी बात पे झगड़े होते हैं, दो मिनट में ठीक भी हो जाते हैं? गाइस, मेरी इस इंसान के साथ बिल्कुल भी अच्छा ही लाइट मैंने उनकी मैं सोची मेरे चार्जर क्यों नहीं, शायद इसका बटन कोई हो। ओ, ये तो मैं ये चार्जर का कौन सा है, फिर मैंने ये वाला स्विच ऑन किया, मुझे लगा ये चार्जर का मतलब इसका होगा, बट इससे ये लाइट ऑन हो गई, बंद कर देते हैं। ये हमारा चाउमीन आ गया, फटाफट से खा लेते हैं क्योंकि भूख की बहुत ज़्यादा लगी है। मैं घर से निकलते भी बहुत जल्दी जल्दी मैं, क्योंकि बीनू भैया को वापस कुछ काम था तो वो जल्दी जल्दी आ गए थे, तो मैं कुछ खाया नहीं और मेरा मन तब भूख नहीं थी ना, बट अब भूख लग गई है। और ये भी आज लंच नहीं किया, तो हम ये खा लेते हैं पहले। ये बर्फ से भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़, वाह। कैसा, प्लीज बताओ। जब गांव में चले थे ऐसे, अब गाड़ी में इंजन था नहीं, इसके बाद आवाज मुझे पापा पहुंच गई मैं घर दोस्तों। और अभी घर वाले कोई घर में है नहीं, शायद सब लोग गांव गए, दलजीत भी गांव तक गए, तो ऊपर भी नहीं दिख रहा मुझे। मुझे लग रहा है कि वो भी सबके साथ ही निकला हुआ, तो अभी मैं अकेले ही हूँ। थक गई मैं क्योंकि मैं नीचे वाले मतलब जो मेन रोड है वहाँ से पैदल आई ऊपर तक, क्योंकि दलजीत वहीं तक मुझे छोड़ के दिया, कोई भी नहीं है घर में यार। तो अभी तो फिलहाल मैं ढूंढ रही हूँ काका की बुक्स। तो वो कहते हैं काका यहाँ पे अपनी बुक्स भूल गया है, तो मेरे को मिली नहीं रही है कहाँ पे। तो मैं मम्मी को फोन कर रही हूँ, मम्मी फोन उठा नहीं रहे, तो मैं वो बुक्स ही ढूंढ रही हूँ फिलहाल सारे में। तो अभी मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही थी और मैं सोचा क्या बनाऊँ जल्दी जल्दी, मैं बाकी लंच सभी के साथ करूँगी। तो मैं थोड़ा सा
मैगी बना दी कि थोड़ी सी मेरी भूख शांत हो जाए। और मैंने थोड़ी देर सो गई थी, मेरी स्वेलिंग सी आ रही है आईज में, इतनी नींद है ना गाइज मेरे को आजकल, इतनी नींद मेरे को। आप दिन में पूरा दिन सुला के रखो, रात को सुला लो, मैं थकने वाला हूँ वैसे नहीं। तुझे कैसे मैं बताऊँ, मेरे पास देखो मैं ना आजकल मतलब मेरे को ऐसे गुनगुनाने का बहुत शौक है, मैं गुनगुना भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी अलग सी धुन निकल रही है, आवाज अलग से निकल रही है। सॉक्स वॉक्स पहन लेते हैं, ठंडी बहुत ज्यादा है, मन तो मेरा आग जलाने का कर रहा है, बट मेरी किस्मत मतलब मेरा वो आग जलाने में गंदा है, मैं आग जलाऊँ ना कभी मेरे आज आग नहीं जलती, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं चाह रही हूँ घर में कोई एक आधा इंसान आ जाए फिर मैं आग जलाऊँ, ताकि मैं चूल्हे के बाद बैठूँ फिर आग सीखते हैं। तो अभी 6:30 हो रहे हैं और आज डिनर में बन रही है सिड्डू, मतलब दाल भी बनी है और सिड्डू भी बना रहे हैं। तो बस अभी सब लोग आए हैं घर, अंधेरा होते होते मम्मी पर काफ़ी पहले आ गए थे, बाकी सब लोग अभी पहुँचे, दलजीत अभी भी घर नहीं पहुँचे। इसकी खुशबू इतनी मस्त आ रही है ना, तो मैं ये सॉरी डाल रही हूँ और एक डालूंगा मैं इसमें प्याज। मैं आ गई हूँ सोने और अभी तक हम लोगों ने डिनर वगैरह करा और कल के लिए शिवरात्रि की जो भी प्रेपरेशन रहती है वो करी और मैंने वीडियोस बनाई थी। पता नहीं मैं अभी देखा सब बाद में, तो एक भी वीडियो पता नहीं क्यों सेव नहीं हुई है, क्या हुआ है, क्या रीज़न रहा है। तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है अपने फ़ोन पे, मतलब मैंने इतने अच्छे से वीडियो बनाई थी जो भी हम सब कुछ प्रेपरेशन वगैरह कर रहे थे, तो वीडियो डिलीट हो गई छप्पा। तो अब कल मिलते हैं शिवरात्रि वाले दिन, देखते हैं क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे रहेगा। फिलहाल मतलब अभी मैं मिस कर रही हूँ अपने घर की शिवरात्रि भी, क्योंकि वहाँ पर मैं पूरे अपने हमारे मेरे घर के आसपास चार घर है, तो मैं चारों घरों में जा जा कर घूम रही होती थी क्या बनाए कैसे बनाए। और चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो छोड़ो और मिलेंगे कल शिवरात्रि वाले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे जब आप वीडियो देख रहे होंगे ना शिवरात्रि तब होएगी, तो आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और बस इतना ही बोल सकती हूँ कि महादेव अपने ऊपर, हम सबके ऊपर अपने ऊपर बोल रहे हो, महादेव हम सबके ऊपर अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखे, हम हमेशा खुश रहे, हंसते खेलते रहे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और हाँ हैप्पी शिवरात्रि, बाय बाय।